हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पेपर है वो है कंपनी लॉ, और कंपनी लॉ में आज का जो टॉपिक है अंश एवं अंश पूंजी, शेयर एंड शेयर कैपिटल। क्योंकि एक टॉपिक पीछे छोड़े हैं उसे आगे मैं पढ़ाऊंगा, अंश पूंजी खत्म होगा वैसे ही, जिसका नाम है प्रविवरण अर्थात प्रोस्पेक्टस। सोच रहे होंगे कि पार्श्व सीमा नियम अंतर नियम पढ़ा दिए, प्रोस्पेक्टस क्यों नहीं पढ़ाए, प्रविधान क्यों नहीं पढ़ाए, उसको भी पढ़ा देंगे, जस्ट इसके बाद थोड़ा सा अंश पूंजी के बारे में जान लीजिए, फिर प्रोस्पेक्टस जान लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और बता दें कि जो लोग पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें अंश में हम सब अंश के बारे में जानेंगे अर्थात शेयर के बारे में। शेयर क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है, ज्वाइंट स्टॉक एक कंपनी है। कंपनी के पास जब वित्त की आवश्यकता होती है, उसे जब वित्त की जरूरत होती है, धन की आवश्यकता होती है, तो क्या करती है? वह एक कागज का, समझिएगा एक सर्टिफिकेट होता है जिसका अंश नाम दिया जाता है, वो बनाकर बेचती है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी कागज का टुकड़ा बेच दी, वो पूरा कंपनी के सील मोहर के साथ लिखा हुआ रहता है, उसमें वचन दिया गया रहता है, प्रमाणित रहता है, और उस पर एक अंकित मूल्य छपा रहता है कि कोई, और खुला आमंत्रण जनता से देती है कि कोई भी व्यक्ति जिस जो इसका अंकित मूल्य है, छपा हुआ मूल्य है, उस मूल्य पर परचेस कर खरीद ले। और खरीदेगा तो वो शेयर का सर्टिफिकेट जो है, कागज जो जिसको कहा जाता है, वो उसके पास चला जाएगा और बदले में पैसा मिल जाएगा। उस पैसे से कंपनी क्या करेगी? अपना कारोबार करेगी, अपने बिजनेस में लगाएगी, और बिजनेस से प्रॉफिट कमाएगी। अब प्रॉफिट कमाने के बाद से जितना भी प्रॉफिट, माने सारा कुछ एक्सपेंस करने के बाद से लास्ट में जो प्रॉफिट उसका बचता है, उस प्रॉफिट को जिनसे शेयर खरीदी होगी, जिनसे शेयर खरीदने का मतलब है कि जो शेयर होल्डर होंगे उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। जो जितना पैसा लगाया होगा, माने जितने का शेयर खरीदा होगा, उसी रेशियो में उसको उसका हिस्सा प्रॉफिट में मिल जाएगा, जिसको डिविडेंड अर्थात लाभांश कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहां आपको अंश जानने का मतलब यह है कि अंश का मतलब होता है कि किसी कंपनी की पूंजी का वह भाग, किसी कंपनी की पूंजी का वह भाग जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है। अर्थात अंश का मतलब क्या होता है कि पूंजी का वह भाग जो छोटे 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 हिस्सों में विभाजित होती है। क्या होती है? विभाजित होती है, मतलब पूंजी का वह भाग जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमारा एग्जाम्पल है और इस कंपनी की शेयर कैपिटल, माने कैपिटल मान के चलिए कि 10 लाख, ठीक ना? कितना हो गया कितना है? 10 लाख, ठीक है। और इसमें यह कहा गया है कि 10,000 शेयर, या ऐसे समझिए इसका रेट है पर शेयर 100 रुपीज। इसके मतलब हो गया कि कितने शेयर हैं, तो इसे हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर, 2 जीरो हट जाएगा तो 1, 2, 3, 4 जीरो आएगा, अर्थात इतने हमारे शेयर। मतलब कि कंपनी की कैपिटल हमारी है, शेयर कैपिटल हमारी है 10 लाख, और उसमें ये कहा गया है कि एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है, तो कुल कितने शेयर्स हो गए? 10,000 शेयर्स हो गए, हो कि नहीं? तो ये 10,000 शेयर्स ही अंश कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक शब्द है अस्कम, जिसको स्टॉक कहा जाता है। शेयर में स्टॉक का मतलब क्या होता है? जो हमारे शेयर होते हैं उसमें स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है कि चुकता पूंजी की राशि,
मतलब चुकता अंशों की इकट्ठी राशि से, मतलब स्टॉक से तात्पर्य चुकता अंशों की इकट्ठी राशि से है, जिसे बाद में किसी भी राशि के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक का मतलब है कि हमारा जो पेडअप कैपिटल है, पेडअप कैपिटल है, इसका जो इकट्ठी राशि है, इकट्ठी राशि में मतलब है एक मुश्त जो राशि है, और इस एक मुश्त राशि को जब छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है, ताकि उसे हस्तांतरित किया जा सके, तो इसे क्या कहा जाता है? स्टॉक कहा जाता है। प्रश्न ये भी उठता है कि इस स्टॉक और अंश में क्या अंतर है? अंश और स्टॉक में अंतर, स्टॉक में अंतर, ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए कि हमने एक ओर कर दिया अंश और दूसरी ओर कर दिया स्टॉक। छोटे छोटे पॉइंट है, समझते जाइएगा कि इस अंश और स्टॉक में हमारा क्या अंतर है। सबसे पहले अंश की बात, अंश का एक अंकित मूल्य होता है, छपा हुआ मूल्य होता है, जबकि स्टॉक का कोई अंकित मूल्य नहीं होता। इसका क्या होता है? अंश का एक अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य होता है, मतलब छपा हुआ मूल्य होता है। इसका है अंकित मूल्य नहीं होता, अंकित मूल्य नहीं होता है, पहला अंतर। दूसरा हमारा अंतर क्या है? सेकेंड अंतर इसमें दिया गया है कि अंशों का हस्तांतरण किया जाता है। क्यों किया जाएगा? जब छोटे छोटे, जब मान लीजिए कि 10,000 शेयर है अभी यहां पर, तो सारे तो एक ही शेयर होल्डर खरीदेगा नहीं, बहुत सारे शेयर होल्डर खरीदेंगे, तो उसमें से कुछ हिस्सा कोई और लेगा, कुछ हिस्सा कोई और लेगा, कुछ हिस्सा कोई और लेगा। ये क्या कहलाते हैं? शेयर्स कहलाते हैं। और जितने भी शेयर हैं सामूहिक रूप से एक मुश्त रूप से क्या कहलाते हैं? स्टॉक कहलाते हैं। इसलिए अंशों का, इसका क्या किया जाता है? अंशों का हस्तांतरण किया जाता लेकिन स्टॉक का इसका हस्तांतरण नहीं किया जाता मतलब स्टॉक को कभी ट्रांसफर नहीं किया जाता। हमारे जो अंश होते हैं, प्रत्येक अंश पर एक क्रम संख्या अंकित होती है। अंश पर क्या होता है? प्रत्येक अंश पर क्रम संख्या अंकित होती है। ऐसे समझिए, जिस तरह मान लीजिए नोट है, सिंगल नोट जितना भी रहेगा सब पर उस पर एक नंबर पड़ा रहता है, उसी तरह अंशों के प्रत्येक अंशों पर एक नंबर होते हैं, लेकिन जब उसको कंबाइंड रूप में एक साथ मिला दिया जाता है तो स्टॉक पर कोई अंकित मूल्य नहीं होता, स्टॉक पर अंकित मूल्य नहीं होता है। चौथा भी अंतर है, और क्या अंतर है ध्यान दीजिएगा, अंशों के निर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन स्टॉक के निर्गमन पर प्रतिबंध होता है। क्या होता है? अंशों के निर्गमन पर प्रतिबंध नहीं है। इसमें क्या होता है? स्टॉक के निर्गमन पर क्या है? प्रतिबंध होता है, ठीक ना? स्टॉक को जारी नहीं किया जा सकता, लेकिन अंशों को जारी किया जा सकता है। अगला है, एक और अंतर है कि जो हमारे अंश होते हैं इनकी पॉपुलरिटी, लोकप्रियता बहुत अधिक है, क्योंकि हर जगह देखते होंगे कि हाँ हम तो शेयर लिए हैं, इस कंपनी का लिए हैं, उस कंपनी का लिए हैं, कोई ये नहीं कहता है कि हम स्टॉक लिए हैं, इसलिए अंशों की लोकप्रियता अधिक है।
पांचवा अंतर है अंशों की लोकप्रियता अधिक है, इसकी लोकप्रियता कम है। ठीक है, शॉर्टकट में लिख लिया। और भी एक रात एक चीज होता है, जो हमारे अंश होते उसका जो धारक होता है वो कंपनी का सदस्य होता है। मतलब जो हमारा अंश धारक होता है, धारक कंपनी का क्या होता है, सदस्य होता है। लेकिन जो स्टॉक धारक होता है ये कोई जरूरी नहीं है कि वो कंपनी का सदस्य हो। मतलब कि स्टॉक धारक के लिए जरूरी नहीं है कि कंपनी का सदस्य हो, कंपनी का सदस्य। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैं बताया कि कोई कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट, जिसकी मान लीजिए कुल पूंजी 10 लाख रुपया, और ये भी बताया गया कि 100 रुपये के शेयरों में विभाजित है, अंशों में विभाजित है, तो अंशों की संख्या कितनी हो गई, 10,000। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इकट्ठे 10,000 शेयर खरीद ले, होता है रेयर केस में कभी कभी, तो ऐसे कंडीशन पे वो स्टॉक धारक कहलाएगा। और स्टॉक धारक और अंश धारक एक तरह से दोनों कहलाएगा, तो स्टॉक धारक वहां पर क्या होगा, शेयर होल्डर हो गया। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन जो भी अंश धारक होगा वो कंपनी का अंशधारी या सदस्य माना जाएगा। अब इसको मिटाए, फिर हम फिर बढ़ते हैं आगे अंश पर। ध्यान दीजिएगा, अंश का वर्गीकरण का मतलब होता है कि अंश हमारे कितने टाइप के होते हैं, अंशों को कितने भागों में बांटा गया। सबसे पहले जानते हैं अंशों के वर्गीकरण में, ये अंश जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होता है समता अंश, जिसको इक्विटी शेयर कहा जाता है, और दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश, जिसको प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पे समझिए कि समता अंश क्या होता है। समता अंश का मतलब होता है कि ऐसे अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है तो समता अंश कहलाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छा डेफिनेशन नहीं कि जो पूर्वाधिकार नहीं है तो समता है। तो आप सोच रहे होंगे ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई जो समता नहीं है वो पूर्वाधिकार है, ऐसा भी होता है, लेकिन ये सही डेफिनेशन नहीं है। मैंने सटीक डेफिनेशन तो है, बुक में इसी का मेंशन किया गया है, बट ये सही डेफिनेशन नहीं। ध्यान दीजिएगा, समता अंश का मतलब होता है एक ऐसा अंश जिसको लेने वाला कंपनी का स्वामी माना जाता है, एक ऐसा अंश जिसके अंशधारियों को लाभांश सबसे बाद में मिलता। मतलब पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश का भुगतान कर देने के बाद यदि बच रहा है तब संतानधारियों को लाभांश दिया जाता। अगला, समापन पर्व, माने जब कंपनी का समापन होता, समापन पर्व सबसे अंत में पूंजी वापसी का अधिकार होता है,
ऐसे अंश को संतांश कहा जाता। मतलब किस टाइप के अंश जो भी लेगा वो कंपनी का असली मालिक माना जाएगा। लेकिन जब मालिक होता है तो मालिक को जानते ही हैं, सबका पेमेंट वेमेंट कर लेगा, उसके बाद से ही मालिक का जो लास्ट में हिस्सा बचेगा वही मालिक का होगा। वैसे ही है, जब पूर्वाधिकार अंशधारी हो, ऋण पत्रधारी हो या जितने भी हैं, सबका जब पेमेंट कर लेगा तो लास्ट में इसको लाभांश का भुगतान किया जाएगा। बचता है तो, नहीं बचेगा तो नहीं किया जाएगा। और पूंजी वापसी का जहाँ तक बात है कि जब कंपनी का समापन होता है तो सबका पेमेंट करने के बाद से लास्ट में इसको अपनी पूंजी पाने का अधिकार होता है। तो ऐसे अंशधारी को क्या कहा जाता है? समता अंशधारी कहा जाता है। प्रश्न इसमें यह भी है कि पूर्वाधिकार अंशधारी क्या होता है? इसके ठीक विपरीत होता है। जो पूर्वाधिकार अंश होता है इसमें क्या होता है कि लाभांश पहले पाने का अधिकार होता है, पहले पाने का अधिकार होता है। लाभांश तो जान ही रहे होंगे, लाभ में हिस्सा होता है, ठीक ना। जो भी शेयर खरीदता है और कंपनी उससे लाभ कमाती है तो अपने अंशधारियों को उस लाभ का जो हिस्सा वितरित करती है वही लाभांश कहलाता है। तो लाभांश इसमें क्या होता है? पहले पाने का अधिकार होता है। और समापन पर पूंजी की वापसी भी पहले पाने का अधिकार होता है, पहले पाने का अधिकार होता है। अब पहले पाने का अधिकार का मतलब ये नहीं कि जैसे ही कंपनी समापन होगी पहले यही पा जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। पहले ऋण पत्रधारियों को भी तो भुगतान करना पड़ेगा और भी सब कुछ लाइबिलिटी जो भी उसका पेमेंट करना। मैंने अंशों के संदर्भ में समता अंशों से पहले इसको पाने का अधिकार होता, ठीक है। अब ये भी समझ लीजिए यहाँ पे कि समता जो अंश हमारे होते हैं इनके जो प्रकार है, समता अंशों की कोई प्रकार नहीं, लेकिन हमारे जो पूर्वाधिकार अंश है इसके बहुत सारे प्रकार, इसको कई भागों में बांटा गया। मतलब कि समता अंशों के कोई आकार प्रकार या वर्गीकरण नहीं होता है, बस एक ही है समता अंश। लेकिन पूर्वाधिकार अंशों को कई भागों में बांटा गया। पहला इसमें दिया गया है संचयी पूर्वाधिकार अंश, संचयी पूर्वाधिकार अंश। अब सोच रहे होंगे संचयी पूर्वाधिकार अंश क्या होता है? ये होता है कि ऐसे अंश जिस पर लाभांश, ठीक है, संचित होता है, अर्थात उस अंशधारी को एकदम मिलना तय होता है, आज नहीं तो कल उसको मिलेगा ही। जैसे मान के चलिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो पूर्वाधिकार अंशों को खरीदा, कंपनी का यह दायित्व है कि भाई उस पर फायदा कमा रही है तो अपने अंशधारी को डिविडेंड दे, लाभांश दे। लेकिन यदि वो पूर्वाधिकार अंशों में भी जो कई वैरायटियां हैं और उसमें से संचयी पूर्वाधिकार अंश वो व्यक्ति लिया, किसी कारणवश यदि कंपनी को लाभ हो रहा, मान के चलिए लाभ पहले हो रहा है तो लाभांश इसको दे देगी, लेकिन किसी कारणवश लाभांश नहीं उस वर्ष नहीं हुआ या कम हुआ, तो ऐसी दशा में उसका लाभांश संचित रहता है, रिजर्व रहता है, ठीक है, फिर अगले साल होगा तो उसका लाभांश का भुगतान कर दिया जाएगा। तो ऐसे अंशों को क्या कहा जाता है? जिस अंशों में इस तरह की फैसिलिटी रहती है तो उसे संचय पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। एक होता है असंचय पूर्वाधिकार अंश, और संचय पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंश ये क्या होता है? सेम वही चीज है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें होता है कि जिन अंशधारियों लाभांश यदि कंपनी को हो रहा है, दे दिया जा रहा है तो ठीक है, लेकिन किसी वर्ष लाभांश नहीं हुआ या कम हुआ और वह अपने अंशधारी को लाभांश देने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी दशा में उस वर्ष उसको लाभांश नहीं मिलेगा, अर्थात उसके लाभांश को रिजर्व करके संचित करके नहीं रखा जाता है कि अगले साल फिर होगा तो दे दिया जाएगा, तो उसे असंचयी पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। अगला है परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश
परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश क्या होता? ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिसे भविष्य में, समझिएगा, ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिसे भविष्य में पूर्वाधिकार अंशों से साधारण अंशों में, अब सोच रहे होंगे साधारण अंश क्या है, यहां समझ लीजिए। साधारण अंश का मतलब होता है संतांश, और पूर्वाधिकार अंशों का एक और भी नाम है अधिमान अंश, ये जान जाइएगा। अब परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन पर क्या होता है, जिनको भविष्य में एक मतलब प्रस्ताव पास करके या सभा में या एक निश्चित तारीख तक या साधारण सभा पास करके पूर्वाधिकार अंशों से समता अंशों में अर्थात साधारण अंशों में परिवर्तित करने की, बदलने की सुविधा होती है, उसे परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। सीधे से कहने का मतलब है कि जिन अंशों अंशधारियों को यह विकल्प रहता है कि पूर्वाधिकार अंशों से फ्यूचर में कभी भी समता अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं तो उसे परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। एक होता है अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंश। ये क्या होता है कि जिन पूर्वाधिकार अंशों को किसी भी दशा में किसी भी कंडीशन में समता अंशों में बदलने की सुविधा नहीं रहती है तो उसे अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। अगला है विमोचनशील पूर्वाधिकार, विमोचनशील पूर्वाधिकार, पूर्वाधिकार अंश। ये क्या होता है, ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिसको एक निश्चित समय पर, एक निश्चित तारीख पर, एक निश्चित टाइम के बाद भुगतान करना एकदम कंपलसरी होता है कि भाई उसको पेमेंट कर ही देना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया है, एक टाइम के लिए लिया गया, तो उसे विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश या शुद्ध पूर्वाधिकार अंश भी कहा जाता है। एक होता है भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश। यहां ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इस पे एक और भी आता है शुद्ध पूर्वाधिकार अंश के बाद अशुद्ध पूर्वाधिकार, उसमें होता है कि जिन अंशधारियों को भुगतान एक निश्चित टाइम पर नहीं किया जाता है वह अशुद्ध पूर्वाधिकार अंश होता है। किसी किसी बुक में ऐसा दिया गया है, कहीं कहीं से एकदम ये पॉइंट हटा दिया गया। अगला है भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, ठीक, ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जिन पूर्वाधिकार अंशों पर एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है, जिन पूर्वाधिकार अंशों पर एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है, उस लाभांश देने के बाद से जब उसकी अतिरिक्त राशि को समता अंशधारियों में वितरित किया जाता है या समता अंशधारियों को भी लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार रहता है, हाँ भाई के पूर्वाधिकार अंशधारी को इतना दे दिया जाए, अब जो बच रहा है वो पूर्वाधिकार समता अंशधारियों को भी एक लाभ में एक निश्चित हिस्सा दे दिया जाएगा, तो इसे भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। इसी तरह एक होता है अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश का मतलब है कि जिन अंशधारियों को पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान करने के बाद से जो राशि बचती है और उस राशि का एक निश्चित दर से नहीं, बिना निश्चित दर से ही समता अंशधारियों में बांटने का विकल्प रहता है तो उसे अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। तो मुख्य यही है, अब इसी का अपोजिट करके दो ठो हेडिंग और भी आ सकता है, जैसे कि आठ हेडिंग होता है, जैसे कि अशुद्ध पूर्वाधिकार अंश कहा जाएगा, अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक सेकेंड, जब ये हो गया तो अब सीधे पहुंचते हैं अंश पूंजी पर। ध्यान दीजिए,
अंश पूंजी, अंश पूंजी, इसको कहा जाता है शेयर कैपिटल। क्या कहा जाता है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर तो अभी से समझ गए, पूंजी क्या होता है? वैसे तो जानते ही होंगे कि पूंजी एक ऐसा चीज है जिसको व्यवसाय का जीवन रक्त कहा जाता है। कैपिटल जो बिजनेस की होती है, उस बिजनेस का जीवन रक्त माने ब्लड कहा जाता है। कैसे? ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे बॉडी में जब तक ब्लड है तब तक हम वर्क करते हैं, अपना काम कर रहे हैं, शरीर ठीक ठाक है, ब्लड नहीं है शरीर बेकार। उसी तरह जिस बिजनेस में कैपिटल है, पूंजी है, समझिए कि वो बिजनेस फला फूला, जहां उस कैपिटल की कमी हुई धीरे धीरे वो डिक्रीज बिजनेस होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि कैपिटल समाप्त, कंपनी वो बिजनेस समाप्त हो जाएगा। उसी से संबंधित यहां पे अंश पूंजी है। अंश पूंजी का मतलब होता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि एक ऐसा धनराशि, एक ऐसी पूंजी, एक ऐसा धन जिससे हम बिजनेस को अपने स्टार्ट करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, ठीक है, और उससे अपना पूरा कारोबार करते हैं। लेकिन यहां पे अंश पूंजी जो शब्द दिया गया है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी पूंजी जो विभिन्न अंशधारियों के मध्य छोटे छोटे भागों में विभाजित की गई है। उस सारे छोटे छोटे विभागों को, विभाजित मूल्यों को या विभाजित अंशों को जब मिला दिया जाएगा, एक बड़ी कैपिटल तैयार हो जाती है और पूरी कैपिटल क्या कहलाती है? अंश पूंजी कहलाती है। मतलब कि उस पूंजी में बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ और वो सारे बहुत लोग क्या है? उस कंपनी को चलाने वाले हैं, मालिक है। अब थोड़ा जानते हैं कि जो ये अंश पूंजी है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, ये अंश पूंजी के प्रकार कितने टाइप के होते हैं, इसको कितने प्रकार में बांटा गया। सबसे पहला होता है अधिकृत पूंजी। अधिकृत इसको ऑथराइज्ड कैपिटल कहा जाता है। अधिकृत पूंजी को कई नामों से भी जाना जाता है, अंकित पूंजी और नामित पूंजी के नाम से भी, या रजिस्टर्ड पूंजी, रजिस्टर्ड पूंजी, इसे कई नामों से जाना जाता है। अब यह अधिकृत पूंजी होता क्या है? एक ऐसी पूंजी जिसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में किया गया रहता है। एक ऐसी पूंजी जिसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में किया गया रहता है, अर्थात जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता, जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, तैसी पूंजी को अधिकृत पूंजी कहा जाता है। एक ऐसी पूंजी है जो कंपनी की पूंजी की अधिकतम सीमा को निर्धारित करती है कि कोई भी कंपनी इस अधिकृत पूंजी से अधिक अंशों का अपना निर्गमन नहीं कर सकती है। इसे क्या कहा जाता है? अधिकृत पूंजी कहा जाता है। अधिकृत पूंजी को रजिस्टर्ड पूंजी, नामित पूंजी, अंकित पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल या पंजीकृत पूंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दो, निर्गमित पूंजी। निर्गमित पूंजी इसको कहा जाता है इशूड कैपिटल। निर्गमित पूंजी क्या होती है? अधिकृत पूंजी का वह भाग, इस पूंजी का वह भाग जो जनता में या जनता को क्रय करने के लिए जारी किया गया, निर्गमित किया गया, तो उसे क्या कहा जाता है? निर्गमित पूंजी कहा जाता है। सपोज एक कंपनी की मान लीजिए पूंजी, अभी मैं बताया कि 10 लाख है, यह अधिकतम सीमा को निर्धारित कर रही है कि यह कंपनी 10 लाख से अधिक शेयरों को जारी नहीं कर सकती। यह 10 लाख पूंजी जो है वो 10,000 शेयर में डिवाइड है और एक शेयर का रेट हमारा 100 रुपीज है। यदि 10,000 शेयरों में से यदि कंपनी ने 8,000 शेयरों को क्या कर दिया? इशू कर दिया, मैंने जनता को लिए कह दिया कि भाई
कि हमारे पास 10,000 शेयर है और फिलहाल 8,000 शेयर हम जारी कर रहे हैं, जिसको खरीदना है खरीद ली। तो इसे क्या कहा जाता है? निर्गमित पूंजी कहा जाता है। ये ध्यान हमेशा रखिएगा कि कभी भी निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं हो सकती है, उससे हमेशा रहेगी तो कम ही रहेगी। निर्गमित पूंजी हो गया। अगला क्या है? प्राथमिक पूंजी। तीसरा है प्रार्थित पूंजी। प्रार्थित पूंजी को अंग्रेजी में सब्सक्राइब कैपिटल कहा जाता है। सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? एक ऐसी पूंजी, या ऐसे समझिए निर्गमित पूंजी का वह भाग, निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा ले लिया गया है। ले लिया गया मतलब जनता ने जितना शेयर जारी किया था उस सारे शेयरों को या उसके कुछ शेयरों को जनता ने खरीद लिया, ले लिया, तो उसे प्रार्थित पूंजी कहा जाता है। जैसे अभी एग्जांपल मैंने दिया कि 10,000 किसी कंपनी के शेयर हैं, एक शेयर का रेट 100 रुपया है, उसकी ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख है। किसी भी कंडीशन पर वह 10,000 से अधिक शेयरों को जारी नहीं कर सकती। जारी उसने 8,000 शेयर किया, कोई जरूरी नहीं कि 8,000, 7,000, 5,000 भी हो सकता है, मैक्सिमम 10,000 तक हो सकता है। 8,000 शेयरों को जारी किया, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जितना उसने जारी किया वो सारे शेयर जनता द्वारा ले लिए गए। हो सकता है कि उसमें से 6,000 शेयरों को जनता द्वारा ले लिया गया। कोई जरूरी नहीं है कि 6,000, 8,000 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 6,000 शेयरों को ले लिया गया। तो इसे क्या कहा जाएगा? प्राथमिक पूंजी कहा जाएगा। ठीक है। एक होता है आवंटित पूंजी। आवंटित पूंजी, अलॉटमेंट कैपिटल क्या कहा जाता है इसको? अलॉटेड कैपिटल। अलॉटेड कैपिटल क्या होता है? ये भी इसी पैटर्न पे आधारित है। ठीक है। अर्थात एक ऐसी पूंजी जो जनता में लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया, मतलब कि हमने निर्गमित किया, आवेदन आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्हें अंशधारियों के मध्य आवंटित नहीं किया गया। आवंटित नहीं किया गया मतलब एक ऐसी अंश पूंजी जिसका आवेदन जनता ने कर दिया गया, लेकिन आवेदन करने मात्र से नहीं होता है कि भाई कि जितना लोग आवेदन किए सब शेयर पा ही जाएंगे। हो सकता है कि यदि कम आवेदन किए तब तो सब पा जाएंगे, लेकिन जब ज़्यादा आवेदन करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने 8,000 शेयरों को इशू किया, फार्म पहुंच गया 10,000, आवेदन लोग कर दिए 10,000, 10,000 का नहीं दे देंगे, 8,000 लोग तक शेयर दे सकती है। तो जितने लोगों को आवंटित नहीं किया गया, वो जितने में सब क्यों ना हो, तो उसे क्या कहा जाता है? आवंटित पूंजी कहा जाता है। अगला है याचित या मांगी हुई पूंजी। याचित या मांगी गई पूंजी, इसको कॉल्ड अप कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल। याचित या मांगी गई पूंजी हमारी क्या होती है बताइए? याचित या ध्यान दीजिएगा, याचित या मांगी गई पूंजी का मतलब क्या होता है? वैसे इसका प्रयोग एक जगह किया जाता है, जैसे आपको बता दें एक कंपनी है, उसकी ऑथोराइज कैपिटल 10,000 शेयर है, वो जारी की कितना? 8,000। अब 8,000 में से, ध्यान से समझिएगा, 8,000 में से सारे अंशधारी ऐसे नहीं होंगे कि सब एक ही बार पेमेंट कर दें, सारे लोग ऐसे नहीं होंगे कि एक ही बार पेमेंट कर दें। तो कंपनी के थ्रू अंशधारियों के सामने यह विकल्प रहता है कि जो भी अंशधारी एक बार में पेमेंट करना चाहता है कर सकता है, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे भी अंशधारी होंगे जो एक बार में पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो उनके सामने भी एक विकल्प रहता है
कि भाई आप एक बार में पेमेंट नहीं कर सकते हैं, दो तीन चार पांच बार में कर दीजिए। तो जो दो तीन चार पांच बार में की विकल्प आता है तो उसे याचित पूंजी, टाइड अप कैपिटल या समझिए कि किस्त वाला होता है। जैसे आवेदन किया तो 100 रुपया रेट है तो 20 रुपया आवेदन पर ले लिया, उसके बाद आवंटन करेगा तो वहां भी 20 रुपया 30 रुपया ले लेगा, 20 ही रुपये लिए, बच गया 60 रुपया 100 रुपये में से। अब प्रथम याचना करेगा तो 20 ले लेगा, द्वितीय याचना करेगा तो 20 रुपये ले लेगा, तीसरी याचना करेगा तो 20 रुपये ले लेगा, 100 रुपये हो गया। तो ऐसे भी विकल्प रहते हैं। तो दिया गया है कि कंपनी की ऐसी पूंजी, ठीक है, ऐसे अंश पूंजी जिसका अंकित मूल्य एक बार में नहीं लिया जाता, जो इसका अंकित मूल्य है, एक शेयर का दाम 100 रुपया है, कंपनी द्वारा एक बार में नहीं लिया जाता, उसको डिफरेंट डिफरेंट किस्तों में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट याचनाओं में लिया जाता, तो उसे याचित या मांगी गई पूंजी कहा जाता। एक होता है दत्त कैपिटल, दत्त पूंजी, इसको चुकता पूंजी भी कहा जाता, चुकता अर्थात पैडअप कैपिटल, पैडअप कैपिटल। दत्त पूंजी या चुकता पूंजी या पैडअप कैपिटल क्या होता है? दत्त पूंजी या चुकता पूंजी का मतलब होता है कि जो हमारे याचित पूंजी है, याचित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों द्वारा चुका दिया गया है, तो उसे क्या कहा जाता है? चुकता पूंजी कहा जाता है। मतलब अभी मैंने बताया कि कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जो एक वन टाइम पेमेंट नहीं करते, उनके सामने तब विकल्प रखा जाता है, ठीक है 3, 4, 5 टाइम में आप पेमेंट कर दीजिए, याचना किया जाता है, याचना मतलब किस्तें बनाई जाती है, और उसमें से जितने भी अंशधारी डिफरेंट याचनाओं में पेमेंट कर देते हैं तो उसे चुकता पूंजी कहा जाता है। इसके बाद से एक होता है अयाचित पूंजी, अयाचित पूंजी, अनकॉल्ड अप कैपिटल। ये हमारा क्या होता है? अनकॉल्ड अप कैपिटल, इसका मतलब होता है कि प्रार्थित पूंजी का वह भाग, प्रार्थित पूंजी यहां पर था जिसको अंशधारियों याचना का विकल्प नहीं दिया गया, कहा गया कि ना आपको किस्त में पेमेंट नहीं करना, इकट्ठे देना हो तो दे, नहीं तो जाओ, अर्थात जिससे याचनाएं नहीं की गई हैं तो उसे अयाचित पूंजी कहा जाता है। अगला है एक संचित पूंजी होता है, संचित पूंजी, इसको क्या कहा जाता है? रिजर्व कैपिटल। ये रिजर्व कैपिटल क्या होता है बताइए? न याचित है न अयाचित है, तो है क्या? ये कंपनी की पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन के समय के लिए संचित करके रखा जाता है, कि जब भी कंपनी का समापन होगा तो उस पूंजी का हम अपना पेमेंट करने में यूज करेंगे, तो उसे संचित पूंजी कहा जाता है। अगला एक होता है कार्यशील पूंजी, इसको भी जान लीजिए, कार्यशील पूंजी, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। ये क्या होता है? जिस पूंजी से हम अपने कंपनी का, अपने व्यवसाय का संचालन करते हैं, कारोबार चलाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? कार्यशील पूंजी कहा जाता है। वैसे वर्किंग कैपिटल का एक फार्मूला भी होता है कि जब हम करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को घटाते हैं, अर्थात चालू संपत्ति में से जब चालू दायित्व को घटा देते हैं, उसका जो आधिक्य आता है वही हमारा कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल कहलाता है। ठीक है, आगे और भी है दो ठो पूंजी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जैसे अस्थाई पूंजी है, अस्थाई पूंजी है। अस्थाई पूंजी तो जानते हैं, जिसे अस्थाई संपत्तियों को क्रय करने के लिए किया जाता है, अस्थाई कंपनी जो व्यवसाय चलाने के लिए किया जाता है, लेकिन मुख्य आपके यही है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और आगे क्या टॉपिक है।
अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा इसको ध्यान दीजिएगा, जो ये हमारे अंश होते हैं, अंश, इन अंशों का निर्गमन कैसे किया जाता है? सबसे पहले जानते हैं इन अंशों का निर्गमन। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट 2013, इसके अकॉर्डिंग अंशों का निर्गमन दो ही मूल्य पर किया जाता है, एक सम मूल्य पर, सम मूल्य पर, और दूसरा होता है प्रीमियम पर। अब सोच रहे होंगे कि हम तो पहले पढ़े हैं कि कटौती पर भी किया जाता है। हाँ, होता था, जब कंपनी अधिनियम 1956 था तो अंशों का निर्गमन दो मूल्यों पर किया जाता था। दो मूल्यों का मतलब है कि एक सम मूल्य पर, सॉरी, जब कंपनी अधिनियम 1956 था तो अंशों का निर्गमन तीन मूल्यों पर किया जाता था, सम मूल्य पर, प्रीमियम पर, और एक तीसरा था कटौती पर। लेकिन जब कंपनी एक्ट 2013 बना तो उसके अकॉर्डिंग अंशों का निर्गमन दो ही मूल्यों पर किया जाने लगा। सम मूल्य का मतलब है कि जब हमारे शेयर 100 रुपये के रहेंगे, अंकित मूल्य 100 ही रुपये पे जारी किया जाएगा तो सम मूल्य। अब प्रीमियम का मतलब है कि 100 रुपये अंकित मूल्य है, इसे 110 रुपये में जारी किया जाएगा तो प्रीमियम। प्रीमियम को प्रव्याज भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पे एक और क्वेश्चन बनता है, इस क्यों इस प्रीमियम का प्रयोग किया जाता है, क्यों अधिक मूल्य पर जारी किया जाता है? तो ये टॉपिक हमारा बनेगा कि प्रीमियम, प्रीमियम की राशि का, राशि का प्रयोग। प्रीमियम की राशि का प्रयोग का मतलब होता है, जिसका उल्लेख हम किसमें कर सकते हैं, धारा 52 के अंदर, सेक्शन 52 के अंदर। हम कंपनी चाहती तो 100 रुपये के अंशों को 100 ही रुपये में जारी कर, लेकिन जब डिमांड बढ़ जाती है तो वहां 100 रुपये के अंशों को 110 रुपये में जारी करना पड़ता है। जब 110 रुपये में जारी करेंगे और 10 रुपये जो एक्स्ट्रा उसको मिलेगा, जिसको प्रव्याज या प्रीमियम कहा जाता है, तो उस प्रीमियम की राशि का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अर्थात उस पैसे का यूज हम कहाँ करते हैं। तो इसमें दिया है, सबसे पहला है पूर्णदत्त चुकता बोनस अंशों को जारी करने के लिए, इसका कहां प्रयोग किया जाता है, पूर्णदत्त बोनस चुकता अंशों को जारी करने के लिए। वैसे ये क्वेश्चन आता है, मैंने हमारा फुली जो प्रोडक्ट बोनस चुकता शेयर है इसको जारी करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, और किस लिए किया जाता है, प्रारंभिक व्ययों का भुगतान करने के लिए, भुगतान करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और क्या किस लिए किया जाता है, अंशों पर व्ययों और कमीशन आदि को अपलिखित करने के लिए, अंशों पर व्ययों वह कमीशन आदि का भुगतान करने के लिए, भुगतान करने के लिए, मतलब कि अंश पर यदि कुछ एक्सपेंसेस हो रहा है या अंशों को खरीदने बेचने पर कमीशन दिया जा रहा है तो उस कमीशन का भुगतान करने के लिए भी प्रीमियम की राशि का प्रयोग किया जाता है। अगला है, और कौन सा है, अंशों को खरीदने के लिए, अंशों को खरीदने
इसके लिए भी उपयोग कर सकते हैं। और भी दिया गया है इसमें, ठीक है, फिलहाल इतना ही रहने दीजिए। इस कार्य के लिए किया जाता है। एक चीज और भी दिया गया है, जैसे कि मैंने अभी कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत मैंने बताया था, जो कटौती पर निर्गमन। वैसे तो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत कटौती पर निर्गमन नहीं किया जाता, और इसका उल्लेख हमारा जो सेक्शन 54 में कहा गया है कि अंशों को कटौती पर हम जारी नहीं कर सकते। लेकिन यदि कोई कंपनी इन प्रावधानों का उल्लंघन करती है, नियमों को नहीं मानती है, कौन से प्रावधानों का, कंपनी एक्ट 2013 प्रावधानों को नहीं मानती है, तो ऐसी दशा पे उस कंपनी पर 1,00,000 से लेकर 5,00,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है, और कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी या जो भी कर्मचारी है तो उसको 6 महीने तक की भी सजा हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और यहीं पे बता दे रहे हैं, अभी मैंने बताया था कि जब भी कोई अंश होता है और इसका निर्गमन किया जाता है, और यहां पे दो विकल्प होते हैं जिन्हें मैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। एक है एकमुश्त, मतलब एकमुश्त का मैंने निर्गमन जब किया जाता है तो उसके भुगतान का जो विकल्प होता है, यहां लिख दे रहे हैं, वो या तो एकमुश्त होता है या याचना में होता है। जब एकमुश्त होगा तो भाई ठीक है, शेयर दीजिए, पैसा दीजिए, हिसाब बराबर। लेकिन जब याचनाओं में होगा तो याचनाएं कैसे की जाएंगी, तो याचना में सबसे पहला आता है प्रार्थना पत्र, मतलब आवेदन पत्र। जब आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा तब बारी आती है आवंटन करना, आवंटित किया जाता। और जब आवंटित भी हो जाएगी तब उससे प्रथम याचना की मांग की जाएगी। और जब प्रथम याचना की मांग कर दी जाती है तो वहां पे फिर द्वितीय याचना की मांग की जाएगी, और द्वितीय याचना की भी मांग पूरी हो जाती है तब वहां पे अंतिम याचना की मांग की जाती है। ठीक है, इस तरह वो यहां तक पूरा पेमेंट कर देगा। तो ये भी हो गया आपका। अब देखिए कौन कौन सा बचा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी अपने अंश पूंजी में कमी भी करती है, अंश पूंजी में कमी करती है, जिसका उल्लेख हमारा सेक्शन 66 में किया गया। यदि एक सीमित दायित्व वाली कंपनी या ज्वाइंट स्टॉक वाली कंपनी को यदि किसी भी कारणवश अपने अंश पूंजी में कमी करना पड़े तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए जरूरी है कि एक विशेष प्रस्ताव, चूंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चनों में आता है, एक विशेष उसे प्रस्ताव पास करना होगा। अब विशेष प्रस्ताव पास करने के बाद से केंद्र सरकार से अनुमति भी लेनी पड़ेगी, और अनुमति लेने के बाद से जो इसकी सूचना होती है वो किसको देनी पड़ेगी, सूचना सेबी को देनी पड़ेगी, तभी वह अपने अंश पूंजी में कमी कर सकती है, अन्यथा अंश पूंजी में कमी नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद से आपका दूसरा टॉपिक शुरू होगा, फिलहाल अब इतना ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, फिलहाल इतना ही रहने दे रहा है। ओके, तो इतना नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये सब कंपनी लॉ का बेसिक कुल नियम है, इससे आप थ्योरी अच्छे से लिख सकते हैं अपनी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में समझ के। तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए।